दोस्तों बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि पटना में कोचिंग कब खुलेगी। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि पटना में कोचिंग कब खुलेगी। और मैं कल जब मार्केट में गया था तो बहुत भीड़ लगा हुआ था। पता है आपको क्यों भीड़ लगा हुआ था? क्योंकि जो अब पटना में रहने वाले स्टूडेंट थे, जो पटना में रहकर पढ़ाई करते थे, वो धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गए हैं। तो पटना में कल मार्केट में गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। दोस्तों आप मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि पटना में कोचिंग जो है कब तक खुलेगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हो सोनू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ट्वीट कर की जानकारी दे दिए थे कि जो बिहार का अब जो कोचिंग या स्कूल है वो अब भी ओपन होगा। अगर आप उस ट्वीट को नहीं देखें तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए पॉज करके। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि वो जानकारी दिए हैं कि कोचिंग है और स्कूल है जो खुलेगी, तो पटना में भी कोचिंग जो है 17-18 से स्टार्ट होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि खान सर का जो कोचिंग है वो शायद 17 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट होगा, सूत्रों के अनुसार मुझे जानकारी मिली है। ठीक है, और जो मेरा कोचिंग है इंजीनियर्स अकेडमी, वो 18 से स्टार्ट होने वाला है ऑफलाइन क्लास। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मुझे मैसेज किया गया है इंजीनियर्स अकेडमी के द्वारा, यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, ऐसे तो ऑनलाइन जो न्यू बैच है वो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है आपका 12 तारीख से, बट ऑफलाइन बैच जो है वो 18 तारीख से मेरा स्टार्ट हो गया है। तो पटना में यानी कि यहाँ पे पटना में कोचिंग जो है 16-17-18 से रीओपन हो रहा है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं और आकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो समझे ना दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।